ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छुपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो? और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को? जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश और योगी सरकार एक बार फिर आमने सामने आ गए। दरअसल जेपी की जयंती पर माल्यार्पण करने अखिलेश यादव को जेपी कन्वेंशन सेंटर जाना था, लेकिन सरकार ने एक दिन पहले ही जेपी सेंटर को सील कर दिया। जेपी कन्वेंशन सेंटर पर टीन शेड लगने की सूचना मिलते ही अखिलेश देर रात से ही मौके पर पहुंच गए और सरकार पर बरस पड़े। अखिलेश ने कहा कि यूपी सरकार जेपी एनआईसी को बेचना चाहती है। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को? कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। यूपी सरकार और सपा के बीच टकराव गुरुवार रात शुरू हुआ, जब अखिलेश ने वीडियो पोस्ट किया जिसमें जेपी एनआईसी गेट पर टीन शेड की दीवार खड़ी करते हुए मजदूर दिखाई पड़े। अखिलेश ने पोस्ट में लिखा, श्रद्धांजलि देने से रोकना सुसभ्य लोगों की निशानी नहीं है। वहीं शुक्रवार के दिन निकलते ही अखिलेश के घर के बाहर पुलिस ने जबरदस्त बैरिकेडिंग कर दी ताकि अखिलेश जेपी कन्वेंशन सेंटर ना जा सके। अखिलेश के घर के बाहर बैरिकेडिंग की खबर मिलते ही सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। काफी विरोध और हंगामे के बाद सपा कार्यकर्ता अखिलेश के घर में लगी मूर्ति सड़क पर ले आए। सपा प्रमुख घर से बाहर निकले और मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। अखिलेश ने कहा कि ये सरकार गूंगी, बहरी और अंधी है। अगर आज त्योहार नहीं होता तो ये बैरिकेड्स समाजवादियों को नहीं रोक पाते। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं, इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज क्योंकि नवरात्र की रामनवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है, बताओ हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही है, हम लोगों को भी नहीं मनाने दे रही, अपने प्रेस के साथियों को भी नहीं मनाने दे रही है, पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोकते। गौरतलब है कि पिछले साल भी सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जेपी एनसीआई में प्रवेश नहीं मिला था, जिसके बाद अखिलेश करीब 8 फीट ऊंचे गेट को कूदकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए अंदर पहुंचे थे। ऐसे में इस बार टकराव से बचा जा सकता था, लेकिन प्रशासन की मनमानी ने बेवजह से ही इस मुद्दे को हवा दी, जिसके बाद अखिलेश फ्रंट फुट पर आ गए और सरकार की जमकर छींचा लेदर हुई। वहीं बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो अखिलेश यादव को श्रद्धांजलि देने से रोकना चाहते थे, क्योंकि इस मुद्दे के बाद योगी सरकार बैकफुट पर है और उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।
पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।